हाय एंड वेलकम टू एचएस कम्युनिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज का एपिसोड अच्छा था, मजेदार था, क्योंकि काफी कुछ हुआ आध्या और अनुपमा के बीच में। और जो अनुपमा ने आध्या की सेवा की और फिर अनुज को भी अनुपमा और आध्या के साथ देख के वो पुराने मोमेंट्स को याद करके वो थू 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 लिखना फोटो पे, सब कुछ बहुत अच्छा था, तो मजेदार था। और श्रुति के जो रिएक्शन है उससे श्रुति की अब रियलिटी भी सामने आनी शुरू हो गई है, वो इनसिक्योरिटी सामने आनी शुरू हो गई है। तो बहुत सारी बातें हुई है आज के दिन। तो अब बारी है आपकी, आपके रिव्यूज की, तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं पहले ये वाला। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। आज पहले तो जब आद्या बॉक्स से बाहर नहीं निकल पा रही थी तो उसका अनुपमा को पीछे मुड़कर देखना और हेल्प मांगना, बाद में मुझे बहुत गुस्सा आया इस लड़की पर कि भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है, कैसे उसने अपनी माँ का हाथ पटक दिया। सच में माँ का इतना अपमान जो लड़की करती है देखा नहीं जाता। उधर फिर वही माँ काम आई, जब आद्या दरवाज़ा नहीं खोलती तो अनु अंदर जाती है तो वह बुखार से तप रही होती है, कैसे उसने अपनी बेटी को संभाला। उधर आद्या ने भी अपनी माँ को गले लगाकर मम्मी बोला। सच कहती है, दुनिया जब हम बीमार होते हैं तो हमारे मुँह से पहला शब्द माँ ही निकलता है। आज अनु ने फिर से अपनी कंपटीशन की परवाह ना करते हुए अपनी बेटी को संभालना जरूरी समझा। बाद में अनुज को भी पता चला कि आद्या को बुखार है तो अनु ने कितने प्यार से कहा कि मैं जहाँ हूँ अपनी बेबली के पास, आप श्रुति का ध्यान रखिए। बाद में जब अनुज घर आता है तो वो बहुत खुश होता है माँ बेटी के इतने प्यार वाले मोमेंट को देखकर, फिर उसकी फ़ोटो खींचता है। कितना खुश था अनुज, कितनी खुशी थी अनुज के चेहरे पर आद्या को अपनी माँ के साथ देखकर। आज सच में अनुज को इस हालत में देखकर दिल तो बहुत दुखा जो हरकत श्रुति ने की। आज श्रुति की हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर थी। कैसे वो हॉस्पिटल में भी कह रही थी कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, हॉस्पिटल में भी वो शादी के लिए मरी जा रही है। फिर बार बार आज उसने अनुज को कहा कि तुम्हें अनुपमा की फिक्र हो रही है। घर आकर भी वो अनुज को छोड़ ही नहीं रही थी, घर आकर भी उसे शादी की माला ही जपनी थी। हद हो गई यार, एक तरफ तुम खुद अनुपमा को घर में लाने के लिए कहती हो, दूसरी तरफ तुम्हें विश्वास ही नहीं है अनुपमा पर, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि वो सिर्फ यहाँ आद्या के लिए आई है, ना कि अनुज को पाने के लिए। अब ये पूरी माया की तरह बनती जा रही है, वो भी ऐसे ही करती थी जो उससे भी ऊपर निकलती नजर आएगी। अनुज तो पूरी तरह फंस चुका है इस श्रुति के जाल में, कैसे वो धमकी देती है कि मैं मर जाऊंगी। एक तो अनुज पहले से ही इतना परेशान है, दूसरी तरफ इसने उसका जीना हराम किया हुआ है। बट जब अनुज का सब्र टूटेगा तो श्रुति तुम देखती रह जाओगी, कितना बर्दाश्त करेगा वो भी तो अक्सर इंसान है। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ आद्या, दोनों उसे खुश नहीं रहने दे रही हो। आज एक बात कहनी पड़ेगी कि अनुपमा आज बहुत खुश थी अपनी बेटी के मुँह से मम्मी सुनने के लिए। आज अनुज भी बहुत खुश था, बहुत अच्छी फैमिली वाला सीन दिखा। बट दूसरी तरफ फिर से आद्या अपनी माँ की गलती ही निकालेगी, उसे भला बुरा ही कहने वाली है जो अपडेट आने वाला है। श्रुति के पास आकर कहती है कि वो मुझे लेक्चर देती रहती है कि ये मत करो ये करो। अनुज के इतना समझाने पर भी आज जो तुम जहाँ अनुज ने कितना समझाया कि आज जो तुम जहाँ ठीक होकर खड़ी हो वो सिर्फ उस औरत की वजह से, जो तुम औरत करते जा रही हो। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये लड़की, कब अकल आएगी इसे। आज फिर से केंजल और तोशु की लड़ाई देखने को ही मिली, बहुत बुरा लगा केंजल के लिए। बट करती तो कुछ नहीं है, बस दो चार बातें सुनाकर चुप हो जाती है। इस निकम्मे पति को लेकर इंडिया क्यों नहीं चली जाती, वहाँ जाएगा तो पिता को भी तो पता लगे कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। उधर अंश को देखा तो वो अपने दादा की बातों में आ गया है और अब उसे प्यार से ही समझाया जा सकता है, जैसे टीटू ने डिम्पी को कहा। बट अभी टाइम है समझाने का, बट बाद में देर हो गई तो ये अंश ही होगा जो कहेगा कि मुझे टीटू पापा नहीं चाहिए। और आज भी उसने कैसे टीटू से कहा कि आप घर से बाहर चले जाओ। आज दीपू का फ़ोन आया तो उसने अनुपमा को बाहर मिलने के लिए बुलाया तो अनुज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसका कहना कि अगर तुम्हें बात करनी है तो उन्हें अंदर बुला लो।
अब मुझे लगता है कि अनुज अब अपनी अनुपमा को दोबारा खोना नहीं चाहेगा और वो धीरे धीरे अपनी अनुपमा की ओर बढ़ेगा और उसके दिल में दोबारा अपने लिए जगह बनाएगा। मुझे तो इस दीपू की भी समझ नहीं आती कि इतनी रात को अनुपमा से क्या काम है। अगर तुम्हें इतनी कोई ज़रूरी बात करनी थी तो फ़ोन पर कर लेते, ये तो देख कर ही मैम पता चलेगा कि क्या बात करने आए हैं, ये देख कर बाद में ही बात करेंगे। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना है। बिल्कुल सही कहा कुसुम जी कि जब अनुज का सबर टूटेगा तो फिर श्रुति देखेगी कि ये अनुज तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान का एक लिमिट होता है सहन करने का। अब जान की धमकी देना या ये इनसिक्योरिटी दिखाना कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर अनुज से शादी नहीं हुई, तो अनुज तो डेफिनेटली फंस ही गया है बहुत बुरी तरह से। तो बहुत बढ़िया ऑडियो था आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में अनुपमा की ममता, श्रुति की जलन और बनराज की घटिया चालें, अनुज की बेबसी सब कुछ चित्रित हो रही है। आद्या घिर के फंस गई है और निकल नहीं पा रही है। माँ बेटी का ये सीन बहुत अच्छा लगा जब आद्या ने हाथ बढ़ाया और अनुपमा ने उसको उठाया, लेकिन आद्या इतनी एहसान फरामोश निकली कि उसने थैंक्स की जगह एलिगेशन ही लगा दिए, ऊपर से अनुपमा का हाथ झटक दिया। भाई उसको किसी ने, ना तो अनुज ने और ना ही श्रुति ने, ना तो कोई संस्कार दिए हैं और ना ही तमीज़ सिखाई है। अनुपमा आद्या के कमरे में जाती है और दरवाज़ा ना खोल पाने की वजह से अंदर चली जाती है तो देखती है कि आद्या को फीवर है। अनुपमा आद्या के माथे पर पट्टियाँ रखती है और उसे हल्दी वाला दूध देती है। आद्या नींद में मम्मी मम्मी कहती हैं। अनुपमा उसको प्यार से गले लगा लेती है। अनुपमा की आँखों से ममता की बरसात होने लगती है, बहुत इमोशनल। आद्या की मम्मी कहना और अनुपमा का कस के लिपटाना सच में बहुत प्यारा सीन था माँ बेटी का। उधर श्रुति वही शादी के सपने में उलझी हुई है, उसको ठीक होना है क्योंकि उसको शादी करनी है। उसको आद्या के लिए ठीक नहीं होना है, उसको अपनी शादी के लिए ठीक होना है। डॉक्टर श्रुति को लेकर जाती है और अनुज को पता चलता है कि आद्या को फीवर है। अनुज जल्दी आने को कहता है तो अनुपमा कहती है कि उसकी बेटी के पास उसकी माँ है, आप चिंता मत करो। अनुज ये सुन के बहुत खुश होता है और श्रुति के आने पर घर चलने को कहता है। तो श्रुति कहती है अनुपमा के लिए जल्दी घर जाना है क्या। अनुज बताता है कि आद्या को फीवर हो गया है। अनुज और श्रुति जब आद्या के कमरे में पहुंचते हैं और आद्या और अनुपमा यानी माँ बेटी को देखते हैं तो अनुज तो खुश हो जाता है, लेकिन श्रुति को 440 वोल्ट का झटका लगता है। बस यही श्रुति की छुपी हुई मंशा समझ में आने लगी। जब अनुज आद्या के पास जाने को कहता है तो श्रुति कहती है कि अनुपमा है मेरी जगह, वो ध्यान दे रही है। अब श्रुति की माँ कहाँ चली गई? क्या ये सिर्फ अनुज को दिखाने के लिए थी? कहाँ गई उसकी फिक्र जो आद्या के लिए होती थी? अब तो अनुपमा के लिए जलन दिख रही है। अगर श्रुति सच में माँ बनी होती तो आद्या आज इतनी संस्कारी और तमीज़दार लड़की होती, बड़ों की इज्जत करने वाली लड़की होती। श्रुति ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया और कहती है कि यदि दिन रात अनुपमा आद्या के पास रहेगी तो उसका गुस्सा अनुपमा के लिए ख़त्म हो जाएगा और वो अनुपमा को माफ़ कर देगी। बस यही पॉइंट है जो श्रुति को नेगेटिव बनाता है। इसका मतलब श्रुति ने आद्या के मन में अनुपमा के लिए इतना गुस्सा इसलिए भर दिया ताकि वो अनुपमा से नफरत करे और अनुपमा उनकी ज़िंदगी में ना आए। श्रुति ने आद्या को ठीक नहीं किया, उसको और बिगाड़ दिया। 4 साल से एक लड़की को दोनों में से कोई ठीक नहीं कर पाया जो अनुपमा ने कुछ ही दिनों में कर दिया था। अनुज समझा रहा है लेकिन श्रुति कैसे समझेगी, और शादी करने की टेप चला देती है कि तुम उससे शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा। पूरी तरह से अनुज को इमोशनल ब्लैकमेल करती है। अनुज शादी की बात में परेशान हो जाता है। अनुज ये रायता तुमने ही फैलाया है, ना तुम अनुपमा से बदतमीजी करते, ना अनुपमा घर छोड़ के जाती। तुम्हें तो उस समय छोटी के लिए अनुपमा जैसी माँ की ज़रूरत नहीं थी,
5 साल से अमेरिका में आकर बिजनेस सेटल किया, श्रुति से एंगेजमेंट की और लिव इन में रहे। इसमें आध्या कहाँ है? क्या करा आध्या के लिए? अगर एक माँ अच्छी नहीं लगी तो दूसरी माँ पटक दी। क्या आध्या ठीक हुई? क्या आध्या तमीज़दार हुई? क्या आध्या के पैनिक अटैक कम हुए? श्रुति के कौन से एहसान हैं जो अनुपमा के एहसानों से बड़े हो गए हैं? खैर, अनु जब आध्या के कमरे में आता है तो माँ बेटी को लिपट कर सोते देख खुश हो जाता है और फोटो खींचता है और उस पर थू थू लिख कर अनुपमा को देता है। उस समय अनुज अनुपमा बहुत भावुक हो जाते हैं। ये है कंप्लीट फैमिली। और मान इशारों इशारों में एक दूसरे की बातें कर रहे हैं और उनको समझ रहे हैं। उनको कुछ भी ऊपर से जताने की जरूरत नहीं होती, बोल के जरा जताने की जरूरत नहीं होती। अनुज उसे सुपरस्टार शेफ की तैयारी के लिए बाहर भेजता है और खुद आध्या के पास बैठ जाता है। बस एक इस एक सीन के लिए मेरे पास बोलने को इतना है कि अगर मैं बोली तो 5 पन्नों का भाषण हो जाएगा। एज यूजुअल किंजल और तोशु की लड़ाई और परी का वहाँ से जाना। ना किंजल कठोर कदम उठाएगी, ना तोशु सुधरेगा। उधर बनराज अपनी घटिया चालों में कामयाब हो गया और अंश के मन में टीटू के प्रति जहर भर दिया। और बनराज ने टीटू को एहसास भी करा दिया कि तुम अंश के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, उसका दादा इम्पोर्टेंट है। वनराज की घटिया चालों को सब समझ रहे हैं लेकिन कोई बोलेगा नहीं। अनुपमा रसोई में नई डिश बना रही है और इस खुशी में अनुज के ऊपर आटा गिर जाता है। अनुज और अनुपमा की बहुत मज़ेदार बातें होती हैं। दोनों खुश होकर बातें करते हैं और अनुज कहता है पापा का पकोड़ा बन गया, वाह क्या नाम दिया। अनुपमा बहुत प्यार से अनुज के ऊपर लगा आटा टॉवल और अपने पल्लू से पोंछती है। बहुत अच्छा सीन था सच में। मान का हंसना, मान की बातें, मान का हंसी मजाक, मज़ा आ गया। तभी यशदीप का फ़ोन आता है और वो अनुपमा को बाहर बुलाता है। वैसे मुझे यशदीप बहुत पसंद है लेकिन आज वो कबाब में हड्डी जैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। बिल्कुल रेखा जी, आपने सही पॉइंट पकड़ा है। गुस्से वाला भी कि गुस्सा जो है कैसे कम होगा, तो अगर कम होगा तो मतलब जो भी हमने डिस्कस भी किया है लाइव वीडियो में कि आध्या का गुस्सा कम हुआ तो अनुपमा के करीब चली जाएगी वगैरह वगैरह। मगर ये भी सही है कि ये जो भी कुछ कर रही है क्या सिर्फ अनुज को दिखाने के लिए कर रही है? आध्या उसकी प्रायोरिटी है ही नहीं श्रुति की, इसकी प्रायोरिटी सिर्फ अनुज है। तो फिर वही ढाक के तीन पात वाली बात है कि आध्या को तो फिर माँ से प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। तो अच्छा ऑडियो है आपका, बहुत अच्छे से आपने किया है, थैंक यू सो मच आपका। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं एबिगेल का वीडियो। नमस्ते अंजू मैम और मेरे सब दोस्त को धन्यवाद मेरा वीडियोस और रिव्यूज हमेशा पसंद करने के लिए और मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स और मोटिवेशन और कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए धन्यवाद। अंजू मैम आपके फीडबैक के लिए धन्यवाद। और मेरा वीडियो क्वालिटी इसलिए बहुत लो थी क्योंकि मैं वीडियोस को कंप्रेस करती हूँ क्योंकि व्हाट्सएप में भेजने के लिए प्रॉब्लम होती है और 2-3 दिन से बहुत लो क्वालिटी करनी पड़ी क्योंकि अपलोड नहीं हो रही थी। आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा और अभी श्रुति की टोटल मैडनेस एंड पॉजिटिवनेस इनसिक्योरिटीज सब आज दिखी। So the episode starts with Adhya. She's, you know, in the ditch and she tells Anupama, don't touch her, leave. So Anupama says, yeah, fine. But she goes and sits over there. And, you know, Anupama is a mom, right? So she knows tantrums of children. So she's looking at Adhya. Adhya's stuck. She cannot come out. And, you know, she is pretending not to notice Anupama. Finally, Adhya asks Anupama to help her. But she doesn't even request. She just says, come help. And after that, what Adhya does is very rude. I'm really, really totally getting fed up of seeing how this girl is behaving. Not enough her mother helps her to come out of that box. She
pushes her mom's hand, knowing her mom was, you know, fractured in that hand, and she was in a lot of pain, Anupama. And then she's saying that you, because of you, I fell, and you came to take care of Shruti, right? So this is your job. So look, this is totally beyond any sickness. This is just, she has hatred, and I'm pretty sure now confirmed that this is all, you know, training and examples of Shruti's upbringing. And then Anupama goes to her room, you know, she tries to knock, wondering why she's not come out, and she notices Adya has a, you know, temperature. So she goes and she takes care of Adya through, you know, putting her, you know, a wet swab on her head, and, you know, gives her milk, and Adya hugs her. And then Anuj calls. So Anupama picks up the call and tells Anuj that Adya has a temperature, and, you know, not to worry, I am there, she says. And he will like, how can you manage? And she'll say her mom is next to her, and then he'll say, yeah, fine. And, you know, again, the doctor will tell Shruti that she's getting better. And again, Shruti will say, yeah, you know, I'm wanting to get better to get married. So she's going on forcing and forcing and forcing Anuj to get married. So then Anupama takes care, very good care of Adya. Adya is sleeping, hugging Anupama. And Anuj, like, is worried in the hospital. And he says, I have to go home when Shruti comes out after all her tests, you know. And then she says, why you want to go home so soon? Is it because of Anupama? Look at her. Then he says, no, Adya is not well, so let's go. And, you know, so if looking at Shruti's facial expressions, it clearly shows that Shruti does not care for Adya, actually. She's only wanting to marry Anuj. So Anuj comes running and he sees that, you know, Anupama's hugging, Adya's fast asleep. And Shruti again gets so jealous there. So this is going beyond jealousy. This girl, this woman is not, you know, she's not insecure. She's just basically, you know, she is mad. She's crazy. It's because I watched some old episodes where when, you know, Vanraj and Kavya had an affair. I just watched it since 2-3 days. So Kavya used to behave the same way that my Vanraj, my V, and she used to do all these crazy things. Then Maya used to do all these crazy things. So why are all these crazy women being possessive portrayed in this, you know, series? I just don't understand. Yeah. And then he, you know, Anuj goes to the room, and there you go. You get Shruti is total, you know, reality. She then starts telling Anuj that, oh, now, you know, Anupama is in my place over there as a mother. And then he says, what are you talking about? Anuj, like, gets really, like, upset. And then she says, yeah, because I'm not well now. I cannot be a mother. So you're telling me I'm not a good mother. And he'll say, what nonsense you're talking. She should be thankful she came here to help out Adya. And, you know, for Adya to get better instead. And there's no one else except Anupama who can help, because she's been a mother. She has four children. And she's always taken care of them. So then Shruti will say, that means I'm not a good mother. She'll start crying. And, you know, all that stupidity, she starts blurting out to Anuj. And good that Anuj tells her, why are you behaving like this? What's wrong? I asked you and brought Anupama over here. And, you know, and then she'll say, no, let's get married now itself. We'll get married. Everything will be okay. So she's totally, totally insecure. And Anuj, you need to try and understand this. This girl, Shruti, also is mentally unstable. She's not stable. Both Adya and Shruti. And then he'll say, why is Adya and you? Yeah, please connect it that Adya and Shruti both behave the same way is because they both are connected mentally in this situation. So then it goes to Vanraj, you know, Deepak, T2 comes and, you know, gets gifts for the children, and then Anshu. So I was very upset with that scene, not because, you know, they're always showing them, but again, they're showing a 4 to 5 year old child misbehaving and speaking rudely. This is not done, please, direction team. Why are you portraying little children throwing tantrums and showing temper and speaking rudely? This is not culture in any country. Please stop showing children misbehaving with families and parents and older people. This is not done. And Anj gets angry and goes, and T2 is, you know, surprised, and Vanraj is trying to give a big reason. But Vanraj, you know, then Dimpy tells T2 that Vanraj only has biased, you know, Ansh's mind. And then T2 will say, I'll try to, you know, solve it by love. And one day they'll all agree and all that. Then again, it goes to Toshu.
Yeah, then it goes, then Toshu, see, this one child also is another one, Raj. He comes knowing his child is sitting there, his daughter sitting there, he'll say, oh, wow, shopping. And the daughter, little daughter, you know, she understands and she leaves the room. And then he keeps telling Dimpy that how, from where she got all this money to buy all this, but she cannot give him money. Why she should give a useless husband like you? And good that she said that is my money, my earning. I have earned it. I have right to spend on what I want. And she says, I'm not interested in, you know, investing in your useless flop business. So, you know, good that she told him, but I don't know why she's staying with a useless Toshu like this. And it then goes back to Anuj. Anuj, you know, sees the moment of the mother and child, Adya and Anupama. He clicks a Polaroid photo and he writes two. And he gives it to Anupama. He's happy. Then he tells Anupama to go and start, you know, learning. And he's next to Adya. And then Anupama is in the kitchen. She's preparing, but accidentally she drops flour, all-purpose flour, on Anuj. And that moment was very cute. She wipes. Then Deepu calls and, you know, asks her to come and meet outside. She says to come in, but he says no. It's too late. And then she will tell Anuj. Anuj is getting jealous again. Anuj will say, bring him in. It doesn't look nice that you're meeting him out. But she'll say, I'll meet him fast. And she runs. So that is why Anuj also feels bad. Yeah, but Anuj, why are you feeling bad? When you are always sitting next to Shruti, holding her hand and all, then Anupama should not feel jealous. But you can feel jealous if Anupama is just running to see her boss. And it goes to the same recap. So thank you, Anju ma'am, for everything. Thank you, all my friends. Love you all. Good night. थैंक यू एबी, बहुत बढ़िया वीडियो था आज, बहुत क्लियर था वीडियो भी और ऑडियो भी। तो आपकी प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है और कंप्रेस करने से वीडियो की क्वालिटी जो है खराब होती है। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे लगा था कि कुछ ऐसा ही कुछ होगा, अदरवाइज पहले अच्छे आ रहे थे फिर बीच में खराब हो गए। बट आज जैसे भेजा है वैसे ही भेजिए। अगर वीडियो लंबा होता तो उसको थोड़ा छोटा जरूर कर सकती हैं आप, वो और भी उसका जो है वेट कम हो जाएगा। तो बाकी आपने जो कहा है कि श्रुति की ट्रेनिंग जैसे आद्या कर रही है, संस्कार तो उसने दिए नहीं है श्रुति ने, क्योंकि उसके अपने पास ही नहीं है वो संस्कार। उसको खुद नहीं पता कि इंडिया में होता क्या है, क्योंकि जो पेरेंट्स के साथ रही ही नहीं उसको कैसे पता होगा। बाकी श्रुति की रियलिटी क्या है वो तो वक्त बताएगा, मगर आपका जो रिव्यू था काफी अच्छा था अभी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो जीजी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरे प्यार भरा नमस्ते। जी, आज का शो हमने देखा तो आद्या वो बॉक्स में गिर जाती है, तो फिर अनुपमा उसके साथ देखती तो मैं फाइन हूँ, मुझे वो मत करो, और पर खुद कोशिश करने के बाद निकलती नहीं, फिर हेल्प भी मांगती है अनुपमा भी। तब तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा, पर अनुपमा ने कोशिश की, अनुपमा ने एक माहौल बनाने की कोशिश की कि अनुपमा अपने आप को डायरी के पीछे जो है ना चेहरा छुपा लेती है, और वो चुपके से देखती है कि कैसे निकलती क्या निकलती है, फिर वो मदद भी मांगती। तो अनुपमा एक नाटक भी करती कि इधर उधर देखती कि किससे हेल्प मांगी, तो आप इसे मुझसे, तो बोले हाँ 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 कहती और मदद करो, हेल्प भी मांगी। अनुपमा ने निकाला तो उसे हाथ दे के, हाथ बढ़ा के, पर अगले ही पल उस लड़की ने जैसे बाहर निकली बॉक्स के वैसे ही हाथ को झटक दिया। हाथ छुड़ाना और हाथ झटकना दोनों बहुत अलग अलग चीज है, बहुत बुरी तरह से। अरे जो बचा रहा है तुम उसी को खाई में है ना, उसी पे ये कर रहे हो, बहुत बुरा लगा वो। जबकि उसके हाथ को दर्द भी, उसके हाथी को नहीं उसके दिल पे भी दर्द हुआ ये अनुपमा के, और वो सीन देख के हमें भी उतना ही बुरा लगा। अनुपमा ने फिर ठीक है, इधर टीटू का वंडा शाह के घर आना वो ब्रेकफास्ट के समय, और फिर वही बच्चों को खिलौना दिया, और फिर अंश को भी देना चाहता है, तो अंश ने अपनी नाराजगी दिखाई, अंश ने बेरुखी बना इधर दिखाया, जो गुस्सा जो वनराज शाह ने उसके मन में डाला था। फिर वनराज शाह अपना एक चाल चलते हुए दिखता है कि वो मैं वो सब जा लूंगा, ये कर लूंगा। सब जानते हैं वहां बैठे हुए, सबको पता है कि वनराज शाह गलत कर रहा है। अभी यहाँ पे तोशु का भी सीन दिखाते, तोशु और डिंपल की तू मैं होती हूँ, कपड़े गिफ्ट लेके आती, कपड़े लेकर आती है, तो दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है पैसों के लिए। अभी
ठीक है, यहाँ पे उतना नहीं, बट यहाँ पे फिर अनुपमा को आद्या बहुत टाइम से घर रूम के बाहर नहीं निकली, तो उसको चिंता होने लगी कि क्यों, क्या हो गया होगा। और फिर वो जाओ भी कि तो कैसे जाओ, बेचारे की कश्मकश की वो गुस्सा हो जाती है, और गल्ला फिर हरकतें उसके घर में, अनुज अनुज भी नहीं है, तो अगर कुछ और गुस्सा करे तो कैसे वो करेगी ना। इसलिए अनुपमा ने बड़े ध्यान से धीरे से दरवाजा खोला, देखा तो वो बीमार है। फिर उसकी वही घबराई पहले, और फिर उसकी ठंडे पानी से पट्टी वगैरह करना, उसे दवाई देना। फिर इधर अनुज का भी इधर हॉस्पिटल में दिखाते हैं कि ये उसकी अनसिक्योरिटी के चलते, श्रुति फिर वही गलत शादी करना है, इसलिए मैं ठीक हो रही, शादी शादी शादी, बस इसने एक ही लगा दिया, शादी शादी शादी। अनुज बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है जब भी वो शादी की बात करती है, क्लियर दिखता है पर इसे नहीं दिखता। यहाँ पे वो वीडियो कॉल करता है अनुपमा को, तो अनुपमा बता देती कि आद्या की तबीयत ठीक नहीं है, पर अनुज कहता मैं अभी पहुंचता हूँ, जल्दी पहुंचता हूँ, तो वो मना भी कर देती है कि आद्या के पास उसकी माँ है और मैं संभाल लूंगी, तुम अपना काम निपटा लो। यहाँ फर्क पड़ता है श्रुति और आद्या में, श्रुति और अनुपमा में, कि श्रुति कभी भी पैनिक अटैक आता है तो अनुज को जहाँ भी हो जैसे भी आ जाओ तुम, बस आ जाओ जल्दी आ जाओ, और अनुज आद्या को पैनिक अटैक आया, तो ये फर्क है इसमें। वो कैसे दौड़ रहे भागे हम देखते हैं कि वो कैसे किस तरह से आ जाता था। तो यहाँ पे अनुज को अभी नहीं समझ में आएगा, पर आएगा आगे चल के, और आना भी चाहिए यहाँ। और फिर दूसरी बात, वो घर पे भी आते हैं तो श्रुति को बहुत जलस फील होती है जब वो मम्मी भी कहती है, और वो गले लग के सोई होती है, उसके सीने से लग के सोई होती है आद्या अनुपमा के, तो उसको बहुत जलस फील होता है। फिर वो रूम में चला जाता है तो वहाँ भी उसको प्रॉब्लम होती है कि तुम क्यों जा रहे हो, अबे उसकी बेटी है वो जाएगा ना, और उसका तो जान बस्ती हो तो जानता है, फिर भी वो उसको, फिर उन दोनों की बस वो बहस। अनुज ने उसको बहुत तरह से छिड़के ही बोला एक प्रकार से कि तुम लोग पढ़े लिखे हो दोनों ही ने मुझे पागल जैसी हरकतें, कैसे कैसे हरकतें कर रहे हो, मैंने यहाँ आद्या तुमसे पूछ के ही लाया, अनुपमा को इस घर में लाया तो आद्या के लिए लाया और तुमसे पूछ के लाया, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था तुम दोनों को संभालना, इससे मैं लेकर आ रहा, अनुपमा संभाल सकती है, वो माँ है, वो फिर उस पर और चिढ़ना। अभी तो इस लड़की को पता ही नहीं है कि ये माँ नहीं बन सकती है, अगर जब इसको ये पता चलेगा ना तो ये और ज़्यादा खतरनाक खेल खेलेगी, ये और ज़्यादा खतरनाक खेल खेलेगी, कुछ ना कुछ तो और इमोशनली ड्रामे करेगी, पर गलती भी करेगी, एक मुझे लगता है यहाँ गलती भी करेगी, क्योंकि ये जो बार बार है अभी अनुज कितना बर्दाश्त करेगा। अरे जब 26 साल से प्यार करता था, इतना प्यार कि उसके उसका बोलना यानी उसके लिए सही और गलत का पैमाना था अनुपमा का, और अनुपमा पे इतने सारे आरोप लगा दिए था, गलत बोल दिया, उसको नहीं बर्दाश्त कर पाया 3 साल से, शाह उसके बैगेज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, अनुपमा को फीलिंग को नहीं ये कर पाया बेटी के आगे, तो ये कितना सुनेगा श्रुति को, एक हद होगी, एक लिमिट होगी। दिल बार बार रोम रोम कर रहा है अनुपमा की तरफ, और ये इसकी तरफ खींचे, वो एक सेकेंड के लिए भी वो कंफर्टेबल फील नहीं करता, शादी की बात बोलते तो उसका चेहरा देखने जैसा होता है, तो ये कब तक बर्दाश्त करेगा, वो फटेगा एक दिन, श्रुति पे भी फटेगा देखना। वो एहसान जब अनुपमा के इतने सारे एहसान थे, इतनी सारी कुर्बानी आती, अच्छे संस्कार थे उसकी बेटी के लिए, सब कुछ अच्छा था, तब उसको नहीं उसने ये किया, जब जानता था कि मेरी बेटी को कौन भड़का रहा है, क्या हो रहा है, फिर भी अनुपमा पे गुस्सा निकला उसका, तो श्रुति किस खेत की मूली है भाई, श्रुति ने सिर्फ पैनिक अटैक भी साथ दिया, अभी वो रिस्पेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसकी एक चरम सीमा है, एक बर्दाश्त करने की हद है, हर किसी की होती है, या अनुज भी फटेगा। यहाँ श्रुति गलत करते हुए दिखेगी, मुझे तो लगता है कि श्रुति गलत करेगी, संभल ही नहीं तो गलत ही करेगी, और आद्या को भी करेगी, कितने दिन आद्या अपनी माँ की बात नहीं मानेगी। अभी आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुज बहुत कुछ बोलेगा उसे, उसके बाद अभी फिर वो अनुज वहाँ से अरे श्रुति को वो सुला रही होती है, सॉरी आद्या को सुला रही होती है वो, और बहुत माफ़ी भी मांगती है, वो सीन भी सच में आँख में आंसू आए कि अपनी बेटी से कह रही मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ़ कर दो, क्या मेरी बेटी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। आज वो सीन भी वाकई में बहुत आँख में आंसू आ गए कि एक माँ की ममता जिसने एक पल पहले उसको कितने बार धक्के दिए, कितने बार झटका दिया, कितना क्या कुछ किया, उसी हाथ में जिस हाथ में दर्द पहले से, उसमें और ज़्यादा दर्द भी दिया, फिर भी एक माँ माँ बनना नहीं छोड़ती, तो बेटी कब तक बची रहेगी। यहाँ आज अनुज ने सब आँखों देखा देखा, तो और ज़्यादा उसके लिए अनुज अनुपमा के लिए प्यार और उसके लिए वो विश्वास फिर से जाग रहा है। आज इसने कहा ना अपनी माँ के पास है, उसको समझा उस बात को, बस
बस बुरा इस बात का लगता है अंजू जी, आपने भी कहा अपने एड वीडियो में कि ये 5 साल पहले क्यों नहीं समझा अनुज, क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं उस समय आज जब अपनी बेटी के लिए हर किसी के साथ रहने को तैयार हो जाता है, माया को झेला, श्रुति को झेल रहा है, जबरदस्ती की शादी कर रहा है, सब कर रहा है, तो अनुपमा को रोक लेता तो क्या होता। बड़ा अजीब सा लगा ही है। फिर वो खींच अनुज उसकी फ़ोटो खींचता है तो उसमें खुश अनुपमा खुश, अनुज खुश। सच में वो रूम में, एक बंद रूम में एक दो तीनों जने कंप्लीट फैमिली लगी कि कितना अच्छा लग रहा था। वो बहुत एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग से समझा, उसने उसको भी पढ़ा कि कहा कि नहीं तुम अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी करो, मैं हूँ आध्या के पास, मैं संभाल लेता हूँ। बड़ा अच्छा लगा वो सीन भी, सच में रियल रियल लाइफ जैसा लग रहा था वो। और उसके बाद फिर किचन में अनुपमा अपनी रेसिपी वो तैयारी करती है और जो आप पहुँचता है वो खुश हो जाती है कि उसकी रेसिपी कंप्लीट हो गई, तो गलती से वो पूरा आटा अनुज के ऊपर उड़ जाता है। वो सीन वाकई में बहुत मज़ेदार था, बहुत कॉमेडी था। और अनुज कहता है कि हाँ मैंने गलती से फूल गिरा दिए तो तुम बदला ले रही हो, और फिर कहते हैं अरे नहीं तुम कही है मेरा पको हम गुलगुला तो नहीं बनाओगी रेसिपी कॉम्पिटिशन में, तो बड़ा हंसी सच में एक अच्छा लगा वो। और फिर उसके बाद पकोड़े वाली बात भी करता है कि आद्या फोटो खींचेगी और सोशल मीडिया पे डालेगी जो भी, तो थैंक गॉड अनुज तुमको बचा लिया। आज यशदीप ने बीच में फ़ोन करके, यशदीप का फ़ोन आ गया इसलिए, नहीं तो अनुज का गुलगुला कीमा पकोड़ा तो ज़रूर बन जाता। और अच्छा लगा वो सीन। फिर उसे बताया कि यशदीप पर अनुज के मन में वही कहीं ना कहीं जलसी वाली भावना उसके मन में, कि यशदीप का नाम सुन के नॉर्मली रहता, उसका दिल देखता है उसके चेहरे को। फिर उसके बाद यहाँ पे टीटू को भी पता चल गया है, उसने बताया डिम्पल ने कि पापा क्या कर रहे हैं, वो जैसे दिख रहे हैं जैसे बोल रहे वैसा नहीं है। और टीटू ने भी एक अच्छा प्रॉमिस किया कि मैं सब ठीक करूँगा, प्यार से समझा लूँगा, समझा कर दूँगा जो भी, और कहीं और चलने के लिए भी कहा कि सरप्राइज़ है जो भी है। वो भी एक सीन अच्छा था। अब दिया की बात ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट करती है अनुज अनुपमा के लिए, कि उसने जो कहा आज मुझे वो क्लियर सुना मैंने, कि कहा कि तुम्हारे बीच में इतना प्यार था तो शादी नहीं चली, तो ये एक तरफा प्यार कैसे चलेगा, तो क्या आद्या को झटका है ना, शौक नहीं लगेगा, तो यहाँ अनुपमा सोचेगी, यहाँ मुझे लगता है वो डायरेक्टली अब अनुज से बात करेगी, या तो तुम आगे बढ़ो या तो फिर पीछे हट जाओ, जो भी होगा अभी होगा, जो भी जैसा भी होगा वो ये जरूर कहेगी, कहीं ना कहीं वो बोलेगी, फिर अनुज को भी लगेगा, फिर जब वो या फिर जब या तो ये होगा कि डायरेक्ट तो नहीं आके बोलेगी वो, यहाँ ये होगा कि वो श्रुति का जो रूप देखेगी बदला, श्रुति का सामने आएगा, आध्या की इतनी गंदी परवरिश, पैनिक अटैक में अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो ठीक है, पर बदतमीजी कर रहा है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कि जैसे अनुज ऐसा नहीं है, फिर किस क्यों नहीं सिखाया, क्या नहीं सिखाया, हर चीज़ में उसको बताना पड़ता है, कल पानी पीने से लेके उसको पसंद नहीं आ रहा है टोका टाकी, तो फिर श्रुति ने क्यों नहीं उसे सिखाया। अगर अनुपमा के ध्यान में आ गया ना कि श्रुति कर क्या रही है, श्रुति का हो क्या रहा है, तो फिर वो शायद ही अनुज को बोले ये शादी करने में मेरी वो अपनी बेटी के लिए ये शादी नहीं देगी, तीसरी बार अपनी बेटी को उसकी माँ खोने नहीं देगी, तीसरी बार वो झटका नहीं लगने देगी, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ अनुपमा का ही रोल चलेगा और अनुपमा ही करेगी, नहीं तो अनुज ने कब का समझ गया होता, कब का कर दिया होता, ये मुझे ऐसा लगता है। पर देखते आगे क्या होता है शो में। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। सही कहा, गुलगुला नहीं तो अनुज का पकौड़ा जरूर बन जाता। बहुत अच्छा सीन था, मजेदार था, तो बहुत ही अच्छे वे से आपने इसको समझा भी है और इसको इंजॉय भी किया है। वर्षा, आपका ऑडियो हमेशा की तरह बहुत बढ़िया होता है, लाइट होता है एकदम, बिना किसी प्रेशर में आप पूरा का पूरा ऑडियो कर देती है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच वर्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सबसे प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। आज का एपिसोड देखा, पहले इस खोखो खोखे से बाहर तो निकल कर दिखाओ, हेल्प मांग रही है इतने एटीट्यूड से, पता था कि माँ की हेल्प लगेगी, एक तो हेल्प की, ऊपर से कितनी जोर से हाथ झटक दिया, जिस हाथ में अनु को चोट लगी थी उसे दर्द हुआ। इसको शादी की जल्दी है और हमें इसके मान की लाइफ से जाने की, देखते हैं मेकर्स किसकी सुनते हैं। क्यों श्रुति तुम्हें अपने ही प्यार और परवरिश पर यकीन नहीं है, निकला निकालो यार इसे मान के बीच से, नहीं तो ये गोली से तो बच गई लेकिन ऑडियंस की गालियों से कैसे बचेगी।
हम फैंस शो में होते ना तो ये कमेंट्स पढ़ लेते, पढ़ते तो पता चलता हम कितने एक्साइटेड है, फिर यही अपनी एक्साइटमेंट भूल जाती। अनुज ने घर पर फोन किया तो पता चला कि आद्या को बुखार आया है। अनुज बहुत जल्दी डर जाता है, अनुज उसके पास उसकी माँ है, वो संभाल लेगी। इतनी आसानी से कैसे माफ कर देगी अनुपमा, उसके दिल में इतना केमिकल लोचा भरा गया है कि उसका वैक्सीन तैयार करने के लिए तुम्हें टाइम लगेगा। डॉक्टर ने कहा कुछ टेस्ट और करने होंगे, फिर तुम जा सकती हो। अब आपकी सेहत बहुत तेजी से ठीक हो रही है, बहुत अच्छी खबर है। डॉक्टर थैंक यू। इसकी शादी का टेप रिकॉर्डर कब बंद होगा? अनुज इतनी चिंता मत करो, अनु है उसकी माँ, उसकी माँ साथ है, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं, उसकी माँ उसके साथ है, कुछ नहीं आता, बस इमोशनली ब्लैकमेल करना आता है, दूसरे को हर्ट करना। उसी से हैप्पी फैमिली बन जाएगी। इमोशनल ब्लैकमेल करने में तो श्रुति आगे है, और इसे देखकर आद्या भी सीख चुकी है। इस लड़की को बाहर कर दो, ये मुझे बिल्कुल सच्ची नहीं लगती, हमेशा उल्टी बात करती है ये श्रुति। अनुज अब समझ जाएगा, जिसने उसे बेस्ट माँ बोला था वो तो माँ कहलाने के लायक नहीं है। उसे क्या हॉस्पिटल में ही रहना था? क्या मैं बेस्ट माँ नहीं हूँ? अनुज ने तुम्हें पूछकर ही अनु से बात करने गया था ना, मरने के बेड पे लेटी है और शादी करेगी, इससे अच्छा मर जा, पुण्य मिलेगा। अच्छी माँ होती तो पहले अपनी बेटी के बारे में सोचती, लेकिन तुम तो अपने ही बारे में सोचती हो। और एक तरफ अनु है जो श्रुति के बारे में सोचती है कि श्रुति आ जाएगी तो मैं कंपटीशन की तैयारी करूंगी। इसका नाम श्रुति नहीं, शादी होना चाहिए था। जब देखो यही बात बोलती रहती है, अनुज को शादी की नहीं, उसको बस अपनी अनु और छोटी की फिक्र है, तू उसकी लिस्ट में नहीं आती। अनुज अब तो मान लो अनु बेस्ट माँ है, श्रुति नहीं, श्रु को सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। बेटी मर जाए श्रु को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जब अनुज श्रुति को अपने कमरे में रखकर जल्द से जल्द अपनी बेटी के पास जाना चाहता था, लेकिन श्रुति को अपनी ही पड़ी है। ये श्रुति नहीं चाहती कि आद्या ठीक हो, उसके पैनिक अटैक जो आते हैं ठीक हो, हद है। श्रुति को आद्या की नहीं पड़ी है, श्रुति आद्या की गलत फहमी दूर नहीं होती होने देती है, क्योंकि इसे अनुज चाहिए और वहां तक पहुंचने की सीढ़ी सिर्फ आद्या ही है। इसकी इनसिक्योरिटी उसी पर एक दिन भारी पड़ेगी। श्रु भी बस आद्या को यूज कर रही है और कुछ नहीं, अनुज को पाने के लिए वही साबित कर रही है कि ये सिर्फ अनुज को पाना चाहती है। जैसे माया थी बेटी के जरिए अनुज को फंसाया था, फंसाया था। आई जस्ट हेट श्रुति। अब पता चला आद्या ऐसी हरकतें क्यों करती है। अनुज आद्या को इस टाइम से अलग करो, सब इसका सिखाया हुआ है, इसने कभी आद्या की गलतफहमी दूर नहीं की। वही करती है जो श्रुति करती है, अटेंशन पाने के लिए चीजों को फाड़ देना, जानबूझकर दूसरे को हर्ट करना श्रुति से ही सीखा है। शादी 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 ये सब सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। कितने दिनों बाद मान को ऐसे एक साथ हंसते हुए देखा, बट ये श्रुति को माया क्यों बनना है? अभी आद्या तुम्हारी बेटी नहीं है जो, और अनुज तुम्हारा हस्बैंड नहीं है जो तुम इनसिक्योर फील कर रही हो। कभी मान को एक साथ देखकर, हंसते हुए देखा है, बट ये श्रुति को माया। वाई वाई वाई, तुम क्यों नहीं समझती? आद्या अभी अपनी माँ से नफरत करती है, इसलिए तो अनुज मजबूर है। बट जिस दिन आद्या अपनी माँ को माफ कर देगी, तब तुम क्या करोगी? बिकॉज अनुज तो ऑलरेडी अनु का है, बस आद्या के लिए चुप था। अब श्रुति भी माँ 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 माँ
माँ माँ की पिपुड़ी बजा रही है और इस हालत में इसको शादी करनी है। शादी के बाद ठीक हो जाएगी। वाह, क्या वाहिया सोच है इस औरत की। श्रुति अच्छी माँ होती तो आद्या की फिक्र करो, उसे ठीक होने दो। वनराज प्रॉब्लम खड़ा करेगा, तभी तो अनुज अनुपमा अपनी शादी के बाद इंडिया आएंगे। सही पकड़ी हो डिम्पी, अपना सिक्स सेंस खुला रखना। आज उसने टीटू को भी वनराज के बारे में सब कुछ बता दिया कि पापा अंश को भड़का रहे हैं, सौतेला बाप खराब होता है ये उसके मन में डाल रहे हैं। लेकिन सच में बापूजी काव्या ये लोग सामने कुछ नहीं बोलते, सब लोग चुपचाप तमाशा देखते हैं। मुझे इनके बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। और यहाँ तोशु भी, सच में परी बहुत अच्छी बच्ची है, उसे समझ आ गया कब मम्मी पापा का झगड़ा होगा, वो दूसरे कमरे में चली गई। लेकिन ये कभी नहीं सुधरेगा, जैसा बाप वैसा बेटा, घटिया के घटिया। खुद के पैसे खुद तो कमाई करनी नहीं है, पति को कुछ, पत्नी को कुछ लेके देना नहीं, और पत्नी अपने पैसे जब खरीद रहे तो उसको जलन हो रही है। छी, कितना घटिया इंसान है। और आपका रिव्यू, भारी कीमत चुकानी पड़ रही है अनुज को 5 साल पहले इस गलती की। आद्या की नफरत का दी एंड कब होगा? आद्या बेटी है, अनुज अनुपमा की कोई भगवान नहीं है जो 24 घंटे। अनुज अनुपमा छोटी छोटी आद्या आद्या का भजन गाते रहे, बंद करो आद्या पुराण, हद से ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है ये सब। श्रुति का शादी शादी गाना सो बोरिंग। श्रुति और आद्या दोनों साइको मिलकर अनुज को पागल कर देंगे। आज आद्या को अनु के गले लगे देखकर श्रुति को जलन हुई। श्रुति ने देखा, यही होता है माँ का प्यार। सही समझी है श्रु, यही होने वाला है। तू अपना बैग पैक कर, अनु और छोटी को गले लगा कर अनु सो गई थी। अनुज आया और उसने फोटो खींची। वो सीन सो ब्यूटीफुल, मोमेंट ऑफ मदर एंड डॉटर इस ऑफ ऑन स्क्रीन ब्यूटीफुल फैमिली को किसी की नज़र ना लगे। हम मान फैंस की तरफ से थू थू थू। अनुज ने अनु को उठाया और कहा, तुम कंपटीशन की तैयारी करो डायरी देखकर। तब अनु का कहना कि वो छोटी को नहीं छोड़ेगी। तब अनुज ने कितने प्यार से उसे कहा, कह रहा है कि पागल हो गई हो, उठो और जाओ किचन में। जब वो किचन में समय से पहले ही डिश बनाती है तो खुशी के मारे सीधा आटे में हाथ मार देती है। पूरा आटा अनुज के मुंह और शरीर पर उड़ता है। आटे की होली खेली अनु ने। कितने महीनों बाद इतना सुंदर सीन देखने को मिला है, माँ बेटी, अनुज और अनुपमा वाला। ये छोटे छोटे मोमेंट मिस कर रहा था अनुज। अनुज को पसंद नहीं आया दीपू का फोन करना। दीपू जी का कॉल देखकर अनुज का दिमाग खराब हो गया। अनु का ऊपर से अनु भी बाहर चली गई। अनुज को श्रुति के साथ देखकर अनु का भी दिमाग खराब हो गया। उसके सामने दिन में 50 बार श्रुति करते हैं, इसका कुछ नहीं। अनु मिलने चली गई तो प्रॉब्लम हो गई। वाह कपाड़िया जी, आप तो को तो जलन हो रही है। तो जाइए अनु के पीछे जाइए, उनकी बात सुनिए, क्योंकि उन्होंने कहा आपके लिए सरप्राइज है। श्रुति का ट्रम्प कार्ड है आद्या। अगर छोटी और अनुपमा मिल गए तो श्रुति के हाथों से अनुज भी चला जाएगा। आज उसके एक डायलॉग ने साबित हो गया ये बहुत ही खतरनाक है इन तीनों के लिए। और प्रीकैप देखा जिसमें दीपा जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। आई होप कि ये बातें अनु सुने, क्योंकि ये बातें
अनुज के लिए बहुत जरूरी है सुनना। एक बात नोटिस की, अचानक से आद्या ठीक हो जाती है और अच्छे बच्चों की तरह अनुपमा अनुज जो कहते हैं, जो बोलते हैं वो मानती है, और फिर बीच बीच में पता नहीं क्या हो जाता है और गुस्सा हो जाती है। कहीं इसके पीछे श्रुति का तो नहीं हाथ नहीं है? मुझे लगता है श्रुति बीच बीच में आद्या को ट्रिगर कुछ ना कुछ कह देती है और श्रुति इसे ट्रिगर करती रहती है और उसे ठीक नहीं होने देती है। अब देखते हैं क्या दिखाते हैं, लेकिन सच में अब देखना पड़ेगा क्योंकि आगे वाला एपिसोड बहुत ही दर्द भरा होने वाला है। कितनी नालायक लड़की, इतनी सेवा की माँ ने क्या फ़ायदा हुआ, उसे अपनी माँ को सिर्फ जलील करना आता है। जब शुरू खुद ठीक नहीं है तो तेरी क्या ख्याल रखेगी? सही कहा अनुज ने, कोई दूसरे की माँ को भी इतना जलील नहीं करता, तुम खुद की माँ के लिए ये सब बोल रहे हो। देखते आगे क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और अंजू जी, और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल ख्याति जी, सच में ये सीन बहुत अच्छा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये कभी अलग थे ही नहीं। जैसे अनुष्का उसको कहना जाओ अपनी तैयारी करो कल के कंपटीशन के लिए, उसका कहना कि मैं अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जाऊंगी, बहुत बढ़िया था वो सीन। आपने बहुत अच्छे से इसको फील भी किया है, तो बहुत बढ़िया, और आपका ऑडियो भी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, राधिका पिनू बोल रही हूँ। गुड आफ्टरनून टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा लगा, पर पहले जहाँ आद्या वो बॉक्स उठाने का टाइम गिर जाती है तो अनुपमा उसे उठाने के लिए जाती है, तभी वो मना कर देती है। अनुपमा इसलिए वहीं जाके बैठ के अपने डायरी और मोबाइल से ऐसे ही उसे चुप चुप के देखती रहती है, और आद्या यहाँ खुद उठने के लिए कोशिश करती है, उठने के लिए नहीं होता है तो हेल्प हेल्प करके चिल्लाती रहती है। अनुपमा जानबूझकर नखरा करती है, वो नखरा बहुत अच्छा लगा देख के माँ बेटी का, और अनुपमा उसे हाथ देके उठाती है, पर उठाने के बाद उसकी बदतमीजी देखो कि किस तरह अनुपमा की हाथ को झटक लेती है, उसी हाथ को वो दुख देती है जिस हाथ को उसके फ्रैक्चर हुआ रहता है, और इतनी बदतमीज है, थैंक यू भी जिस तरह से बोल रही है, और ऐसा बोल रही है कि ये बॉक्स आप श्रुति को देखभाल करने के लिए आए हैं तो ये बॉक्स भी उठाने का काम आपका ही था, मैं उठा के गिर गई। तो अनुपमा क्या नौकरानी है क्या? श्रुति के मैरिज का बॉक्स उठाने के लिए थोड़ी आई है वो। अगर इनके आद्या के हिसाब से अनुपमा को देख ये श्रुति को देखने के लिए देखभाल करने के लिए भी आई है तो उसको घर का काम ये सब उठाने के लिए ये कौन है बोलती हुई? इसको क्या है बोलने का हक? इतनी बदतमीज़ है, तमीज़ नहीं है कैसे बात करने को बड़ों से। वो भूल गई कि ये सब कुछ खुद बोलती है कि अनुपमा की वजह से गिर गई, अनुपमा की वजह से ऐसा हुआ, पर ये भी याद रखो कि अनुपमा की वजह से ही तुम अभी ये पॉप्स के साथ में रह रही हो, नहीं तो तुम वही अनाथ आश्रम में पड़ी रहती थी। वो भी याद रखो, ये भी अनुपमा की वजह से ही हुआ है कि तुम इनके साथ में आके यहाँ ऐसा ज़िंदगी गुजार रही हो। और यहाँ जहाँ वनराज ने अपनी चाल चल दी है, उसे एक ही बात से मानी एक ही इंसिडेंट से उसने अंश को जो उसका इंटेंशन था उसे वो फ़िलहाल के लिए तो कामयाब हो गया है।
इतना घटिया इंसान है, छोटे बच्चे के लिए, बच्चे के साथ, वो भी अपने खुद के पोते के साथ उसका इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये इतना घटिया इंसान तो मैंने तो कहीं भी अपनी ज़िंदगी में भी नहीं देखा है। उसकी गंदी हंसी कब बंद होगी समझ में नहीं आता है। उसको तो लकवा मर देना चाहिए कि उसको हंसी हंसने को भी हो ना सके। सच में इतनी घटिया इंसान है वो। और यहाँ तोशु और केंजल की बातचीत के बारे में बोलना है। जहाँ केंजल और परी शॉपिंग करके आते हैं, वो अपने शॉपिंग के सब ड्रेसेस देखते खुश होते रहते हैं कि इंडिया जाएंगे शादी में, तो बीच में तोशु आ जाता है। तो परी को समझ में आ जाता है कि ये अभी इन दोनों के बीच झगड़ा हो शुरू हो जाएगा, इसलिए वो उठ के चली जाती है। ये कितने बुरी बात है कि इतनी छोटी के बच्ची के मन पे कितना बुरा असर हो रहा है इन दोनों के झगड़े के वजह से। और तोशु को क्या हक है पूछने के लिए कि क्या है शॉपिंग, इतना कैसा पैसा कहाँ आया है? तुमसे तो उसने पैसा नहीं मांगा ना, तो तुम्हें क्या हक होता है पूछने के लिए? वो तो खुद कमाती है, तुम तो उसको टुकड़े पे पड़े हो। तुम्हें तो एक वक्त की रोटी भी कमाने की ही औकात नहीं है, निकम्मा कहीं का। तुम्हें देखा तो घिन आती है देखने को। समझ में नहीं आता है केंजल किस किस लिए झेल रही है उसे। जिस तरह से केंजल बोलती है, और कोई रहता तो वो ये शॉपिंग का भी पैसा तुमसे ही पूछता था करके, पर मेरे ख्याल से और कोई भी रहता तो शायद ये सह नहीं पाता और खुद कुछ कर लेता था, या इतनी हिम्मत तो दिखा देता था कि छोड़ छाड़ के चले जाए। क्योंकि केंजल जैसे इतने वेल एजुकेटेड होते भी हुए भी तोशु जैसे इंसान को झेल रही है, ये बहुत ही बदकिस्मती है उसकी। उसे तोशु को बहुत सबक सिखाने का ज़रूरत है, नहीं तो ये परी को भी बहुत इफ़ेक्ट करेगा इन दोनों के हर टाइम झगड़ने का। और यहाँ जहाँ अनुपमा आती है छोटी को मिलने के लिए, रूम का दरवाज़ा खटखटाती है, तभी खोलती नहीं तो अंदर झाँक के देखती है, उसे बहुत बुखार रहता है, तो वो देखभाल उसको पट्टी सब करके देखभाल करती है। तभी बीच में अनुज का फ़ोन आता है, तो अनुज को बताती है कि आद्या को बुखार रह करके, तो अनुज बहुत पैनिक हो जाता है, पर अनुपमा उसे शांत करवाती है और बोलती है आद्या के पास उसकी माँ है, तो अनुज रिलैक्स हो जाता है। और ये रिलैक्स हो जाता है, पर ये अनुज को 5 साल पहले भी यही सोचना चाहिए था। तो जिस अनुपमा को अभी वो लेके आया, उस टाइम भी वो जाके जो भी हुआ उस दिन गुस्से में जो भी उसने बोल दिया, कम से कम अगला दिन तो जाके उससे बात करना चाहिए था। उतना ही प्यार था छोटी के लिए, तो अनुपमा को क्यों मनाने नहीं गया? आम जिंदगी में तो भी अगर बीबी की गलती है तो भी आदमी लोग जाके माफ़ी मांग के उसे वापस बुला के लेके आते हैं। यहाँ तो उस दिन की गलती तो अनुज की ही थी, क्योंकि उस दिन उसे वो सब कुछ इस तरह से सबके सामने बोलना नहीं था। वो डॉक्टर को क्या बुलाएगा? उन्होंने तो किसी ने भी एक इंसानियत भी नहीं दिखाई कि एक गिलास पानी दे दे या उसे बैठा दे।
अगर हम किसी को भी रोड पे भी कुछ भी अगर गिर गया, कुछ भी चक्कर खा के गिर गए या कुछ चोट लग गई, तो हम उनको भी एक साइड में बैठा के उनको पानी पिला के अगर हो सके तो हम उनको हॉस्पिटल में ले के जाते रहते हैं। पर इन्होंने किसी ने भी एक इंसानियत भी नहीं दिखाई, उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा या एक ग्लास पानी तक नहीं दिया और अपना बोलते ही गया। उस दिन वो बहुत गलत था, मेरे जहन से वो एपिसोड निकल ही नहीं रहा है। मेरे जहन में एक एक डायलॉग और एक एक इंसिडेंट पूरा वैसे ही छप गया है कि हर बार अगर ये टॉपिक आता है तो मेरे को पूरा वही पूरा एपिसोड मेरा सामने आ जाता है, जिस तरह से अनुपमा अपनी कांपती हुई हाथ से उस दिन अनुज को एक्सप्लेन कर रही थी। खैर, अभी जब समझ में आएगा, जब देखेंगे अनुज को अपनी गलती का एहसास, पर इस गलती के वजह से अभी उसने बहुत बुरी तरह से फंस गया है श्रुति को अपने ज़िंदगी में लेके आके। और जहाँ श्रुति बोलती है कि अनुपमा मेरी जगह ले रही है, मेरी जगह में है, वो देखभाल कर रही है, अनुपमा तुम्हारी जगह में नहीं है, वो गलतफहमी में मत रहो, तुम उसकी जगह जानबूझकर ज़बरदस्ती लेना चाहती हो जो कभी भी तुम्हें हासिल नहीं होगा और तुमने 1% भी माँ का फ़र्ज नहीं निभाया है, तो तुम कैसे दावा करती हो कि तुम भी अच्छी माँ हो, क्योंकि इतने साल आध्या की देखभाल तुमने किस तरह से की है वो सब हमने देखा है। एक बेसिक ओबीडियंस मैनर्स तक भी नहीं सिखाया है तुमने, उसका पैनिक अटैक का जो भी है फ़ायदा उठाया है। और तुमने बिल्कुल सही कहा कि उसे अनुपमा से गुस्सा है, इसीलिए वो बहुत ही नाराज़ है, इसीलिए अनुपमा को हेट कर रही है। पर वो जब ही नाराज़गी चली जाएगी तो आद्या अनुपमा को अपना लेगी। तुम इस पॉइंट से बहुत ठीक बहुत बराबर बोल रही हो, आद्या बहुत जल्दी अनुपमा को समझ जाएगी अनुपमा को और अप जो भी उसका गुस्सा है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तभी तुम क्या कर पाओगी देख लेंगे हम भी। ज़बरदस्ती हर टाइम शादी करके शादी का ही ढंगूरा पीटती रहती हो, तुम्हें आद्या से कुछ भी प्यार व्यार कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ अनुज को हासिल करने का था, इसीलिए तुमने आद्या की दोस्ती और उससे अच्छे से रहने के लिए अनुज के वजह से तुमने उसे पैम्पर किया गलत तरीके से, उसे जायज़ नाजायज़ सब मांग पूरी करके। और यहाँ जहाँ तुम बोल रही हो कि तुम तीनों परफेक्ट फैमिली हो, हाँ अनुपमा अनुज आद्या ही परफेक्ट फैमिली है, तुम इसमें उनके बीच में आई हो, वो अनुपमा तुम्हारे बीच में बिल्कुल नहीं आई है। और तुम जैसी ऐसे बोल रही हो कि शादी कर लेंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम वो सपना ही रह जाएगा, तुम अनुज से शादी कभी कर नहीं पाओगी। आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने राधिका जी, कि वो सीन याद आ जाता है जब कोई ऐसी बातें करता है ऑडियंस से भी या फिर सीरियल में भी, कि क्या किया है अनुपमा ने या अनुपमा की ही गलती है। तो अनुज जब तक अपनी इस बात को पूरी तरह से अनुपमा के सामने नहीं करता तब तक शायद हम लोगों को शांति सी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बात होनी चाहिए, ये बात जरूरी है कि अनुपमा ने क्यों छोड़ा, क्यों चली गई अपनी बेटी को छोड़ के और क्यों अनुज अनुपमा को मनाने नहीं गया। अगर ये प्यार इतना दिखाया जा रहा है तो इस प्यार पे बात भी होनी चाहिए। तो बढ़िया ऑडियो है आपका, और आपने जो श्रुति के बारे में कहा है वो भी सही है कि सिखाया क्या है आद्या को,
क्या परवरिश की है आद्या की, जिस बात का वो एहसान अनुज मान रहा है और वो भी समझते कि मैंने आद्या को पाला है, तो क्या पाला है आद्या को, तो सवाल तो उठते हैं। तो थैंक यू सो मच राधिका जी आपकी ऑडियो के लिए। ये थे दोस्तों आज के HS कम्युनिटी के ऑडियोस और वीडियोस, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा, और आपका भी मन है भेजने का तो भेजिए। और पब्लिक वॉइस आज नहीं आएगा क्योंकि पब्लिक वॉइस अब HS कम्युनिटी में ही आएगा, और जो HS कम्युनिटी के मेंबर्स होंगे उनका ऑडियो या वीडियो इसमें शामिल होगा। तो जल्दी से बनिए इसके मेंबर और अपनी फीडबैक भेजिए अनुपमा शो को लेके। तो जाते जाते नंबर शेयर करती हूँ जिसपे आपने भेजना है, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के HS कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।